ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र के निवासी श्रवण विमान मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है, जिनके मकान खरीदने को लेकर 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई है। पीड़ित के रिश्तेदारों ने आज सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बाद आज मीडिया को बताया कि उनके रिश्तेदार श्रवण विमान के साथ दो व्यक्तियों सुंदर और सूरज सिंह द्वारा धोखाधड़ी करके श्रवण विमान का मकान भी हड़प लिया गया और मकान के लिए जो 11 लाख की रकम तय हुई थी उसमें से 5 लाख रुपए श्रवण विमान के खाते में डाले गए और उसके बाद खुद ही उस मानसिक पीड़ित श्रवण विमान के खाते से वापस भी निकाल लिए। सोची समझी साजिश के तहत इन दोनों व्यक्तियों ने, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति श्रवण विमान अपने रिश्तेदारों के साथ उन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, परंतु पीड़ित को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। सुनील कुमार, कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन देनी थी, काफी दिनों से हम परेशान घूम रहे थे और पहले भी इससे पहले एप्लीकेशन लगाई गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा इस कार्रवाई के चक्कर में कि हो जाए किसी तरह। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि श्रवण कुमार जो है इनकी एक ज़मीन हड़प ली गई है, उस मामले में हम यहाँ पे आए हैं। इनका बैनामा करवाया गया और वो बैनामा जो है लीगल नहीं है, लीगल नहीं है। और इनका बैनामा करवाने के बाद इनसे पैसे जो देने थे वो दिए नहीं गए और वो कुल 11 लाख रुपए में बैनामा हुआ, जिसमें कि कुल 90,000 रुपये इसके खाते में आए और जो बाकी का पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, किस तरीके से उन्होंने निकाले और किस तरीके से नहीं निकाले। इससे पहले हमने कंप्लेन यहाँ पे क्या नाम है जनकपुरी थाने में की थी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सदर थाने में की, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो जिसके थ्रू ये मकान बिका था उसने सारा करता धरता वही है इसका। पूरे एड्रेस दो, आईटी सुंदर कुमार है, आईटीआई प्रेम नगर का रहने वाला है, पुत्र हुकम सिंह। और इसमें जो खरीदार हैं एक सुमित राजपूत है और सरदार गोलगप्पे वाले हैं और सूरज सिंह। जिसकी प्रॉपर्टी थी, क्या इन्हें पता नहीं था प्रॉपर्टी के बारे में, क्या हो रहा है इनके साथ दिमाग से? ये इनका थोड़ा सा ये दिमाग जो है ना काफ़ी टाइम से सही नहीं है। 2015 से अमरजीत पोपली के यहाँ इनका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर अमरजीत पोपली के यहाँ इलाज चल रहा है और उसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने ये इसके साथ ये काम किया है। इसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और बस। मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मैं इनका पड़ोसी हूँ श्रवण कुमार का, ठीक है। इसे 2015 से इसका इलाज चल रहा है पोपली के यहाँ से, पोपली डॉक्टर के यहाँ से। तो ये है ना, दो तीन महीने के बाद में हमें पता चला कि आज के साथ में बहुत तगड़ा फ्रॉड हो गया। तो इसकी ज़मीन भी हड़प ली और इसका कोई पैसा नहीं आया, ठीक है। इन्होंने सुमित राजपूत ने 5.5 लाख रुपये डाले, तो उसमें तो है ना कि दो चार दिन के बाद में सारे पैसे निकाल लिए इसके। फिर इसके बाद में चेक सरदार गोलगप्पे वाला है जी, तो उसने दो चेक एक 3.5 लाख का और एक 2 लाख का, तो उसका चेक भी बाउंस हो गया था उसमें। तो बाउंस होने के बावजूद में उन्हें पता लगा कि आने पता लग गया इनके रिश्तेदारों को या इनके पड़ोसियों को, तो उसने 2 लाख रुपये डलवाए थे। 2 लाख डलवाने के बावजूद में भी 1,10,000 रुपये काट चुके हैं उसके उसमें। फिर उसके बाद में हमें धमकी दी जा रही कि चुपचाप होकर घर में बैठ लो, कहने का घर पर कोई कुछ भी नहीं होना का। उसके बाद में हमारी रिकॉर्डिंग भी है, हमें धमकी दी जा रही है, रात धमकी दी जा रही है, दिन में धमकी दी जा रही है। हम ये चाहते हैं कि इसे श्रवण कुमार को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे पास में हम रिकॉर्डिंग भी सुनवा, कंप्लेंट है जनकपुरी थाने में पीएम पोर्टल, वहाँ भी हमने वो कंप्लेंट कर रखी इसकी। कम से कम 15-20 दिन हो गए जी लगातार हम फिर रहे धक्के खाते हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कह रहे हैं हाँ जी हो जाएगा, इन्होंने ये बहुत बात बोल दी। ये सुखपुरा मेरी बाग के है, जो सुंदर है जिसने चढ़ कपट करा वो है मनोहरपुर का रहने वाला जी।